नमस्कार, आप देख रहे हो प्रेस न्यूज। मैं हूँ पीसी सैनी के प्रथमप्री के सरपंच जगदीश प्रसाद जी सोलेत से। और एक प्रथमप्री का विशेष आकर्षण रहता है यहाँ का मेला, बालाजी महाराज का बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें सिर्फ मेला ही नहीं होता, उसमें कई तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं। संपूर्ण कलाकार जगत को यहाँ पर आकर्षित किया जाता है, जैसे उसमें कई तरह की ऐसी प्रतियोगिताएं होती है, कुश्ती की हुई, घोड़ा दौड़ हुई, ऊँट दौड़ हुई, इस तरह की न जाने कितनी प्रतियोगिताओं से सजा हुआ है ये प्रथमपुरी बालाजी का मेला। मैं एक सवाल आपसे करूँगा, हाँ। आपके गांव में जो बालाजी महाराज का मंदिर बनता है, ये आसपास के क्षेत्र का या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसकी पहचान है, जिला स्तर पे पहचान है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी प्रतियोगिताएँ होती हैं, तो इस मेले में क्या क्या होता है और इस मेले की भूमिका क्या है, उसके बारे में आप इसकी भूमिका ये है साज ये बालाजी महाराज है जी। बुजुर्ग बतलाते हैं जी कि कोई 850 या 840-845 साल पहले जी कहते हैं हम लोग जी कि गाँव की हमारी कोई बेटी थी या राजपूतों की, वो बोलते हैं उठा के लाई थी कहीं से और यहाँ इसको स्थापना कर दी। जब से यहाँ मान्यता है पहाड़ी के ऊपर, तो मेला छोटा मोटा होता ही है तकरीबन हर जगह, थोई में भी होता है, काउंट में भी होता है, इधर उधर भी होता है। इसका मेला लगनी लग गया जी। लोग आने लग गए, पानी पूनी कुएँ कम थे पहले जी। ये डैर जो बेल्ट बोलते हैं जी जी, इसी में पानी रहता था, इसमें इतने एक रस्से से पानी निकाल लेते थे, इतना ही था पानी है ऊपर जी जी। ये तो मैंने भी देखा अच्छी तरह जी। तो ये होली के पांचवें दिन, इसका कोई वैसे डेट नहीं है जी। अब होली 17 की है तो 22 तारीख को ये मेला लगेगा जी। पांचवें दिन ये मेला लगता है, आस के पड़ोस के आते हैं, छोटी मोटी कुश्तियाँ हो जाती जैसे और जगह होती थी जी। अब साहब मैं 85 में पहले मैं रहा नहीं जी, मैं 3-4 साल का था ही, तो ननिहाल मेरे गढ़वोब जी में जी, मेरे मामा ले गए पढ़ाने के लिए, उनके कोई छोटा बच्चा नहीं था। तो फिर मैं मैट्रिक वहाँ से कि इस गांव में मेरा कोई क्लास फेलो नहीं है जी, जी। मेरे साथ पढ़ा हुआ, तो मैं यहाँ रहा नहीं। हाँ हाँ। फिर मैं यहाँ से फिर कालडरा चला गया जी। तो वहाँ भी कोई गांव में तो अननोन था जी। मैं तो 85 में आया यहाँ पर, यूँ मानो बीच में कोई शादी हो गई, 4 दिन रहे चले गए। 85 में आने परिवार तो था ही जी। लेकिन मैं तो मतलब अननोन ही था जी। 85 में मैं आया यहाँ तो साहब ये मेला देखने के लिए मैं भी आ गया जी। तो वहाँ से कुश्ती होती थी, वो जो काली काली गाय सी जी, तो यहाँ 20 रुपये की, 30 रुपये की, ये फाइनल कुश्ती थी। लास्ट पर धीरे धीरे मैं जब तक नहीं हुआ, जब तक 100 रुपये की मतलब 88 तक नहीं मांग रही जी। मैंने देखा यहाँ कुछ नहीं, कोई बुक नहीं, झूठ मूठ, आप बुक ले गए, आप दबा ली, 100 रुपये दे दिए, 50 जेब में डाले, ये ले गए वो ले। मैंने वो देखा, मैंने सरपंच जी हमारे रामेश्वर जी यादव थे जी, सीधे से आदमी थे, इतने वो नहीं थे, जो कोई कहता था तो सुन लेते थे, बाकी तीर साई नहीं थे। मैंने उसको मैंने देखा तो मैंने कहा ये यहाँ ये कुश्तियों का तो अपन जब सरपंच हुआ जब जी, जब देखा, जब भी मेरे को ये महसूस हुआ कि यह क्यों, मैं चंडीगढ़ वहाँ भी तो रहा हुआ, मैंने देखा है, मैंने कहा ये इनको कोई चांस यहाँ सही है नहीं इस बात का, इसको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो साहब मैं 88 में सरपंच बना, तो वो देखा हिसाब किताब कुछ नहीं जी। तो फिर जैसे ही ये मार्च आया, उससे पहले ही 6 महीने तो मैंने ये इधर उधर सब कुछ मालूम करने में लगाया, लेकिन मैं जनवरी में पंचायत की मीटिंग बुलाई, उनमें मैंने कहा अपन मेला भरवाएंगे 1 नंबर का जी। उस टाइम में पंच थे हमारे पास 13, एक सरपंच जी। तो साहब हमने 20-21 बुक छपवाई और उसमें हमने किया, भाई आप अच्छा चंदा लाओ, अच्छा प्रोग्राम करो। तो वो साहब सारे आधे एक तरफ, मैं अकेला काउंट दुकान थी ना जी जी, दुकान पर कोई सेठ आ गया, कोई आप जैसा आ गया जी, 51 दे 101 दे 201, कोई रामदेव जी कंपाउंडर यही थे उस टाइम, डॉक्टर दायल वगैरह ये उस टाइम थे, साहब 1100 भी काटो, ऐसे कर करा करके मैंने पैसा किया, अच्छा पैसा किया। अब पहले रोज जी जागरण होता है रात को, जैसे 21 को यहाँ जागरण होता है, बाहर से मंडली आती है जी,
ये प्रेरणा की तो मैंने बताई थी, प्रेरणा मेरे को देख करके कि भाई अच्छा करना चाहिए, अपन कुछ अलग करें। ये प्राइमरी स्तर का सरपंच है, अपन ग्रेजुएट हैं, अपना कुछ अलग नहीं है, तो अपने को कोई धंधा तो करना नहीं है, दाल रोटी उधर चल रही है। तो साहब किया हमने, और पहले रोज जागरण करवाया। जागरण से पहले मैंने एक वो जैसे नॉमिनल हेड होता है वैसे एक कमेटी बनाई थी, संरक्षक पंचायत तो है ही, सरपंच है ही जी, बाकी इसको काम को बांट करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा जी। तो साहब मैंने एक शीतरमल जी अध्यापक थे रे गुरु के यहाँ बुराड़िया जी, जी गुरु जी है मेरे, गुरु जी आपके थोई में भी थे जी, हाँ, मैं पढ़ा हुआ हूँ बात पटूर हर तरह से वो, हाँ, उसको मैंने अध्यक्ष बना दिया जी। अब अध्यक्ष साहब उसको बनाया मैंने और मैंने कहा अपने को कैशियर चाहिए महाजन, क्यों ये महाजन लोग हैं, ये अधिगर कास्ट को पैसा नहीं देते हैं जी, इनको तो दे देते हैं चाहे ये खा जाएं जी। तो मैंने एक राधेश्याम जी गुप्ता था उसको बना दिया कैशियर जी, और मैं लास्ट एंड फाइनल था ही था जी। मेरे सामने उनकी ये भी स्थिति नहीं थी कि कुछ मतलब गड़बड़ कर सकें जी, पारदर्शिता एक नंबर, मैं चेक करूँगा परचेजिंग जो भी कुछ तुम आप करोगे, लेकिन लास्ट में देखूंगा जी, पेमेंट उसके बाद में होगा जी। तो साहब वो रेगर को अध्यक्ष बना दिया। उससे पहले यहाँ एक ये खेजड़ी सी दिखती है ना जी, जी, इसके नीचे एक पत्थर रखा हुआ था जी, शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स को वहीं टीका लगा करके आना पड़ता था, ये ऊपर नहीं जा सकते थे जी। अब यहाँ जो थे अपर कास्ट वाले जी, वो साहब बिगड़ गए, ये सरपंच ने देखो बोले इसको बनाया जाट को, इसने ये कर दिया, डैम केयर मैंने कोई परवाह नहीं की, मैंने कहा कुछ नहीं सब बराबर हैं, सामने कोई आएगा मरेगा मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं जी। और ये रह गए अध्यापक जी, इसके साथ कोई बात हो गई तो तुम अपना देख लो किधर जाना है जी। और दो चार महीने रहा, दबदबा गया वहाँ में, उन्होंने काम किया साहब फर्स्ट क्लास जी। हमने साहब अड्डा लगा दिया, कमेंट्री वो कर ही रहा था, पैसे हमारे पास आए, हमने साहब उसको मिले वो चढ़ा दिया, और चढ़ा करके चढ़ाया तो खैर इसमें बालाजी ने जी। लेकिन हमारा प्रयास रहा जी, कि हमने दिल्ली से इधर उधर हाथ पांव मार मोड़ करके, यहाँ सबसे बड़ा मेला एक पिचलंगी में लगता था जी, वो मदन जी बावरिया करवाता था कुछ जी, उससे हमने कुछ लोगों के पहलवानों के वो ले करके नंबर उमर बोला बोला, हमने जचाते जचाते आज यहाँ जी। अब वर्तमान में क्या होता है यहाँ, हाँ, वर्तमान में जी, अब रात को 21 को जागरण होगा जी, 22 को सुबह से ही हमारा प्रोग्राम चालू हो जाएगा जी। पहले तो यहाँ मटके रखेंगे, तीरंदाजी करवाते हैं 10 बजे के आसपास जी, जो भी ये अपने निशान साहब बोलते हैं वो लेकर के आते हैं आपके थोड़ी वगैरह संघ वगैरह, उनका एक कमेटी बना देते हैं, उनका गेट पर स्वागत करते हैं, फूल बरसाते हैं, उन पर तिलक करते हैं और उनका वेलकम करते हैं जी। ऊपर जाओ अपना लोक पूरी करो और वापस। अच्छा, 10 बजे वो प्रोग्राम होने के बाद में हम धीरे धीरे ये ग्राउंड इसमें इसके चारों तरफ मतलब झंडे वगैरह लगा करके इसको, आपने शायद देखा क्या कभी पहले? नहीं, पहले देखा नहीं, कुछ थी मैंने आया हुआ हूँ अभी, कुछ साल पहले, हाँ, काफ़ी साल पहले, काफ़ी साल हो गए, अब बड़ा चेंजिंग हो गया सर। यहाँ करेंगे, वहाँ हमारा ये जो एक जो पड़ी है ना जो टहनी सी जी जी, वहाँ पर हमारे बैठने का वो पक्का होगा अभी जी, तो वहाँ पर इनाम देने वाला अनाउंसर जी और कोई VIPs लोग जी ये बैठते हैं, उस पर दरी बिछा देते हैं जी, कुश्तियाँ होती हैं, पहलवान बाहर बैठो, इधर बैठो, उधर बैठो जी। ये 11 बजे के गेट में हम इसको चालू कर देंगे जी, कुश्ती 11 बजे चालू हो जाएगी, चालू कर देंगे, तो लंबा पीरियड है, 3-4 लाख रुपए की कुश्तियाँ करवाते हैं। अच्छा, और लास्ट कुश्ती इस साल तो हमने 31,000 की रखी है, क्योंकि पैसा थोड़ा ज़्यादा खर्च कर दिया हमने जी जी, तो अगली शायद भविष्य में शायद हम बढ़ा देंगे इसकी रेंज को जी। अब हमने आपके रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, दिल्ली, चंडीगढ़,
भरतपुर जयपुर यहाँ पहलवानों से संपर्क कर नागौर उनको एड्रेस लिए हैं, उनसे बात कर रहे हैं जी। लड़कियाँ भी आएंगी हमारे यहाँ, लड़कियाँ भी उनकी भी कुश्तियाँ होती हैं, 70 किलो वेट की लड़कियाँ भी आएंगी जी जी। लड़कियों की तो तकरीबन जितनी लड़कियाँ आती हैं उनकी हम ये कोशिश करते हैं इनको सबको खिलाया जाए जी। इनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए खिलाने में। कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जो लड़कों से भी कुश्ती खेलती हैं जी। तो हम ये प्रयास करेंगे कि शाम के 7 बजे तक जी। ये 11 बजे भी नहीं तो आपकी यूँ मानो आप 12 बजे से कुश्ती स्टार्ट हो जाती है जी। फिर इसके बाद में कुछ लोगों को ड्यूटी लगा देते हैं, ऊँट दौड़ करवाओ, गुड़ दौड़ करवाओ, और कोई यहाँ एक ये गुजरों का होता है जो नेड़ा वगैरह बोलते हैं जी। वो भी कोई करना चाहे तो उधर उनको भी हम जो पारितोषिक उनको भी वितरण करते हैं, सबको पारितोषिक देते हैं उनके हिसाब से क्या कैटेगरी है क्या जी, जी। अब बिफोर लास्ट ईयर ये हो गया कुश्तियों का, रात को हमारे होता है खेल जी। क्योंकि इतनी पब्लिक इकट्ठी होती है तो वो रात को कहाँ जाए साहब, 7 बजे 8 बजे तक तो वो आपका नैडार कुश्ती वो गुड़ दौड़ ऊँट दौड़ जी। ये मेरी सोच बता रहा हूँ जी जी जी। तो वो रात को कहाँ जाए, वो गांव को तकलीफ देंगे लोग जी। खाने के लिए यहाँ अब ये एक जाट धर्मशाला बना रहे हैं ये जो पीछे चल रहे हैं, हाँ ये कर रहे हैं जी। पहले से भी चालू है इनका चूरमा दाल बाटी देसी घी में जी जी। एक कोई राजपूत समाज है वो भी करते हैं, एक यादव समाज है वो भी करते हैं, एक सर्व समाज वाले भी, आदमी कितनी भी आओ कितनी भी बार यहाँ खाना खाओ, दाल बाटी चूरमा फ्री कोई कॉस्ट नहीं, भावना है लोगों की जी। ये रात को चलता है, रात को फिर जैसे ही वहाँ आप खेल देखो जी। अब इनमें 5-4 तो कोई लेडीज कलाकार इधर से करके आए हैं, ये कोई जेंट्स हैं वो, अब मोस्टली क्या है आजकल की ये ज़्यादातर गाने सुनना पसंद करते हैं जी जी। खेल तो आजकल टीवी पर सब ये फिल्में सब कुछ कर दिया साहब जी जी। लेकिन वो टाइम 5 बजे तक ऐसा निकलता है लोगों का जी कि आराम से अपना टाइम व्यतीत कर देते हैं, चाय पानी की दुकानें रहते हैं पीते रहते हैं जी। और सुबह उठ कर अपना अपना घर ले लेते हैं। ये इसकी हो गई कुश्ती। अब ये स्टेडियम वाली बात, मेरा फर्स्ट मेला अब नए टाइम में 2000 के बाद में जी फर्स्ट मेला है आपका 20 में मैंने फर्स्ट मेला बनवाया। ये जो अब मैं बता रहा हूँ वो ही पहलवान उसी टाइप के 31,000 के, तो 20 में हमने बनवाया। अब यहाँ साहब हम बैठते थे जी, हमने काफ़ी मतलब सुरक्षा भी की कि लोग बाग इधर से नहीं आए जी जी। लेकिन अब आप दिखे मेरे को, मैं बैठा हूँ, आप मेरे सरपंच जी थोड़ा खिसकना आप इधर से ही आ गए सरपंच जी। अब लास्ट में हमारी क्या पोजीशन होती थी कि हम तो यूँ हो जाते थे, और जिनके लिए हम रखते थे VIP आएंगे, VIP यहाँ वो ही है जो कुछ हमको डोनेट करता है जी। ऐसे भी आते हैं जो नहीं भी करते हैं लेकिन उनका भी सम्मान है, सम्मान है। लेकिन जो आप भी जानते हैं पैसा जो कोई भी नेता आए चाहे यही तो होते हैं VIP, लेकिन हमारे लिए सब VIP हैं हमारे लिए। अब मेरे को पैसे जिसने दिया है वो VIP उसको सम्मानित करूँगा भैया जी, जी। उनको एक प्रशंसा पत्र देंगे, एक साफा बनाएंगे जी, और उनका सम्मान करेंगे सबके बीच में जी। अब हजारों गाँव के आदमी इकट्ठे होंगे यहाँ जी, उनके सामने सम्मानित होना भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, जो पंच मेरा 21,000 रुपये से ऊपर लाएगा जी उसको सम्मानित करते हैं जी। आम आदमी को 21,000 से ऊपर लाता है उसको सम्मानित करते हैं जी। और इसमें जो 15,00,000 रुपये जो दिए हैं लोगों ने जी, किसी ने 51,000 रुपये से कम नहीं है इसका चंदा स्टेडियम के लिए, स्टेडियम अलग बुक है मेरे पास जी। 51,000, 1,00,000, कोई 1-21, कोई 1.5, कोई 2 लाख अभी तक इससे ऊपर किसी ने नहीं दिया, उनको भी यहाँ सम्मानित करेंगे और हमारी कुश्ती भी चलती रहेगी। और हम ये भी देखेंगे सैनी साहब को सम्मानित करना है हमने,
ये पत्रकार हैं या APGS उसके हैं, इनको भी सम्मानित करना है, उनका भी नाम बोलेंगे, उनको भी सम्मानित करते हैं। वो ऐसे मतलब हम जो बाहर से आए हुए हैं सबका सम्मान रखते हैं। और जो भी कोई आता है ना सर जी, वो कुछ ना कुछ मतलब यहाँ से तो सम्मान मिलता है जी, और हमारे को योगदान मिलता है, योगदान मिलता है, जिससे हम ये कोई व्यक्ति विशेष तो इसको वो चला नहीं सकता। ये यहाँ का प्रोग्राम है तो यहाँ बैठे बैठे हम बिल्कुल तंग आ गए, मतलब हमारी ये पोजीशन हो गई जो प्रोग्राम का संचालन करने वाले थे वो इस जगह से नीचे उतर गए और ऊपर से साहब थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी तो यहाँ टीला था जी। तो मिट्टी आए तो हम तो हो गए बराबर। अब मेरे बैठे बैठे दिमाग में आया कि अपने इधर कुछ करें, तो उस मेले में मैंने लास्ट में ये अनाउंस, और इस पर चढ़ गए, उस पेड़ पर चढ़ गए, ऊपर उधर, और बार बार उतारो, गिरेगा टूटेगा, ऑर्डर भी तो रहता है ना गिरने का, ये भी तो जिम्मेवारी है, बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस भी हार थक गई। तब मैंने उसी टाइम अनाउंसमेंट किया कि भाई हम अगली दफ़ा आपको बैठने की ऐसी सुविधा देंगे कि आराम से 6 घंटे 7 घंटे आप बैठो तो साहब हमने चालू कर दिया, मुहूर्त लगा दिया, बहुत विरोध किया लोगों ने, होते ही हैं वो तो है, काम करोगे तो विरोध। हाँ, इसके टाइम में ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, नहीं बस वही है, बाकी और वो कोई और कुछ नहीं है, तो बढ़िया है लोगों के लिए है, मैं तो मेरे घर तो ले जानी से रहा। हाँ, नहीं सही है, ये तो फ्यूचर के लिए है। अब ये साहब हमने करते करते फिर बीच में लास्ट ईयर में आ गया कोरोना जी, कोरोना आ गया तो सब हम भी धीरे पड़ गए, मेला लगा नहीं और इसका काम भी धीरे हो गया। अब ये 12.5 लाख में ठेका दिया था, उसके बाद में ये 15 का हो गया जी। अब ये उधर से हमने अलग से फिर इसको और करवाया जी। अभी ये जो उधर दीवार निकलवा करके, क्योंकि अब लास्ट में क्या होगा कि ये जगह जो हमने कवर कर ली वही बचेगी हमारे पास, और पब्लिक को इतना अतिक्रमण का वो है जी। और उसमें नेता लग जाते हैं 60 जी, ऊपर से तो कहते हैं अतिक्रमण हटाओ और अंदर से कर ले कुछ नहीं हो रहा है जी। क्योंकि ये जो है ना ये सबसे खराब है, तो हमने वहाँ दीवार निकलवा दे, अब उसको लेवलिंग में करेंगे सर जी। इस साल में उसको हम ऐसे बना देंगे तो वहाँ भी पब्लिक बैठेगी, इसमें भी बैठेगी जी। और फिर देखेंगे कि कितने लोग जी अपने पास, और जनसंख्या तो बढ़ रही है जी, तो हम देखेंगे तो उनके लिए हम अगली दफ़ा और कुछ व्यवस्था, जैसे उधर ही हम पेड़ियाँ वगैरह बना देंगे या इधर कुछ करेंगे तो हम व्यवस्था हो जाएगी। और करने में है कि यहाँ जो एक दिन के लिए ही सही, लेकिन 6 घंटे 7 घंटे जो भी बैठे वो दर्शक आराम से इंजॉय करे और बढ़िया से बढ़िया मतलब कार्यक्रम देखे, शांतिपूर्वक पूरी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ जो स्वयंसेवी हैं गांव के सारे स्कूलों के, वो सब सेवा में लगे रहते हैं, पुलिस प्रशासन भी आता है, और बहुत अच्छी तरह से हम ये चाहते हैं शांतिपूर्वक संपन्न हो, और ये हमारा ये मेले का कार्यक्रम है। सरपंच जी आपसे अंतिम सवाल है। हाँ, कि मेले को लेकर आप लोगों को कोई संदेश देना चाहो हमारे चैनल के माध्यम से। अच्छा, आपके चैनल से हम यही देना चाहते हैं, जनता जो भी इसमें आए, जहाँ की भी आए, जनता जनार्दन ही सब कुछ है जी। उसके बगैर कुछ नहीं है, आपका कोई प्रयोजन सफल नहीं हो सकता जी। लोगों से मेरा तो यही निवेदन है, आग्रह है, करवद्ध आग्रह है, शांतिपूर्वक ये मेले को इसमें सहयोग करें, जिसके जितना बनता है उतना सहयोग करें, शांति बनाए रखें। अगर किसी के पास पैसा भी अगर किसी के पास देने के लिए नहीं है तो उसका भी स्वागत है, लेकिन मेले को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में हमारा सहयोग करें। हमारा तो यही पूरे क्षेत्र के लोगों से, तुम प्री गई नहीं जी, पूरे क्षेत्र के जो भी यहाँ उपस्थित होते हैं, और हम निवेदन करते हैं चैनल के माध्यम से ज़्यादा लोग पधारें, हमारे में कार्यक्रम में कोई कमियाँ हो उनसे हमें अवगत करवाएं, जो भविष्य में हम उसमें सुधार करें और आगे से बढ़िया कार्यक्रम मतलब दे सकें जनता को, क्योंकि और तो कोई गेम हम करवा नहीं सकते,
कबड्डी फुटबॉल क्रिकेट ये तो उतने टाइम में हो नहीं सकता, ये कुश्तियों का ही है। और आज साहब पढ़ाई से ज़्यादा महत्व खेल का है, जो बच्चा खेल में चला गया, गलत आदतों से परहेज कर गया, उसका भविष्य निर्माण हो गया। अदरवाइज तो यहाँ हमको पता है क्या स्थिति है लोगों की, भले भले परिवारों के बच्चे ऐसे घूमते हैं जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है। और आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप भी हमारे बीच ही हैं, सब जानते हैं। तो हमारा अंतिम यही लोगों से निवेदन है, इसमें हमारा सहयोग करें और लुफ्त उठाएँ और अच्छी सेवा लें, हमारे से जितनी बन पड़ती है और अच्छी सेवा दें। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी, आपने समय दिया। ये मेला जो है ये छोटे से लेवल से लेकर इतने बड़े लेवल पे कैसे पहुंचा वो भी जानकारी उन्होंने दी है। स्टेडियम का निर्माण हुआ है और भी यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं इस समय स्क्रीन के पीछे भी निर्माण चल रहा है, जहाँ पे बताया कि यहाँ पे धर्मशाला बनेगी। और इनका प्रयास रहेगा कि आने वाले 3 सालों में ये ज़्यादा से ज़्यादा और भी अपनी पंचायत को दे सके, इस मंदिर के लिए कुछ कर सके और इस मेले को और भी प्रसिद्ध बना सके। इस रिपोर्ट में इतना ही, आप देख रहे हो प्रेस न्यूज़, मैं हूँ PC सैनी, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।